हेलो दोस्तों, आज हम महादेश में स्थित सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्राजील का क्षेत्रफल लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, यह देश रूस, कनाडा, अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, यह देश इतना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों यह देश दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में अकेले लगभग 51% हिस्सा में फैला हुआ है। दोस्तों, आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारे देश से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, यह देश अपनी सीमाओं को अर्जेंटीना, पेरू, बोलोविया, वेनेजुला सहित 10 देशों के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करती है। साथ ही इसकी 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस देश को कुल 26 प्रांतों में बांटा गया है। दोस्तों, इस देश की राजधानी ब्राजीलिया है और इस देश का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश की जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है, जो कि हमारे एक राज्य यूपी की जनसंख्या के बराबर है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में लगभग 89% लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं और शेष बचे 8% नास्तिक है और बाकी बचे 4% में सभी धर्मों को मिलाकर लोग यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, अगर लिटरेसी की बात की जाए तो इस देश की साक्षरता दर तकरीबन 92% है। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में ब्राजीलियन रियल चलता है, जो कि हमारे देश के रुपए से लगभग 13 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी कि एक ब्राजीलियन रियल बराबर 13 भारतीय रुपए है। इस देश के लोग भी अमेरिका की तरह ही दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं और इस देश का कॉलिंग कोड +55 है। एयरपोर्ट की संख्या सबसे ज्यादा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश के परिवहन को उन्नत बनाने के लिए हवाई सेवा का अहम योगदान होता है। इसी महत्व को समझते हुए ब्राजील आज लगभग 4,023 हवाई अड्डों के साथ एयरपोर्ट के मामले में विश्व में दूसरा स्थान पर है। जहां आज भी हमारे देश भारत में केवल 125 एयरपोर्ट, हमारे पड़ोसी देश चाइना में 238 एयरपोर्ट, वहीं अमेरिका में लगभग 15,000 हवाई अड्डों के साथ पूरी दुनिया में एयरपोर्ट के मामले में नंबर 1 स्थान पर है। सांपों का टापू। दोस्तों, ब्राजील के प्रमुख शहर साओ पोलो से तकरीबन 104 किलोमीटर दूर अलाक्यूडामा नामक एक टापू है, जो कि बेहद ही खतरनाक टापू माना जाता है। इस टापू के एक वर्ग मीटर में तकरीबन 6 सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, यह टापू लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर आम लोगों का जाना पूर्ण रूप से पाबंदी है। वोटिंग के लिए कड़े कानून। दोस्तों, जहां पर भारत में आज भी मतदान के समय लोगों को विज्ञापन के द्वारा आग्रह किया जाता है कि आप अपना मतदान जरूर दें, लेकिन ब्राजील में आपको वोट देना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर तकरीबन $1,000 का जुर्माना है। साथ ही यहां पर वोट देने की उम्र 18 साल नहीं बल्कि 16 साल है। दोस्तों, आपके अनुसार भारत में भी मतदान देना अनिवार्य होना चाहिए? प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस तरह भारत 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, ठीक उसी प्रकार ब्राजील भी 1822 तक पुर्तगालियों के अधीन था। यही वजह है कि यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, जो कि यहाँ के लगभग 98% लोग द्वारा बोली जाती है और यहाँ पर शेष बचे 2% लोग इंग्लिश, जर्मन एवं फ्रेंच भाषा के भी उपयोग करते हैं। संपन्न देश लेकिन क्राइम ज्यादा। दोस्तों, किसी भी देश के आंतरिक अपराध से देश का माहौल तो खराब होता ही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, ब्राजील हर मामले में संपन्न देश होने के बावजूद ब्राजील पूरी दुनिया में अपराध के मामले में 5 शीर्ष देशों में शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर वृहद संख्या में ड्रग्स, मर्डर, किडनैप एवं लड़कियों का तस्करी किया जाता है।
दोस्तों अपराध के मामले में यह देश सबसे अव्वल है। यही कारण है कि ब्राजील संपन्न देश होने के बावजूद रहने के मामले में सुरक्षित देशों की श्रेणी में श्रीलंका, क्यूबा, नाइजीरिया जैसे छोटे देशों से भी नीचे आती है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का लगभग 65% हिस्सा ब्राजील देश में ही स्थित है। दोस्तों यह जंगल इतना बड़ा है कि अगर इस जंगल को देश बना दिया जाता तो यह पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। दोस्तों अमेजॉन के जंगल में विश्व में सबसे अधिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है, जिस वजह से इस जंगल को वनों का राजा भी कहा जाता है। फुटबॉल के दीवाने लोग। दोस्तों जिस तरह से हम भारतीयों के रगों में क्रिकेट का जुनून देखा जा सकता है, ठीक उसी तरह ब्राजील के लोगों में फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोलता है। दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस खेल को पूरे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। यही वजह है कि ब्राजील अभी तक 5 बार रिकॉर्ड टूर वर्ल्ड कप जीत चुका है। इसके साथ ही रियो डी जेनेरियो में मार्का फुटबॉल स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम माना जाता है, जिसमें एक बार में तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ मैच देख सकते हैं। कॉफी का विशाल उत्पादन। दोस्तों आज कॉफी पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ बना हुआ है, जो कि कॉफी के भुने हुए बीजों से तैयार होता है। दोस्तों कॉफी की शुरुआत आज से लगभग 600 साल पहले यानी कि 15वीं शताब्दी में इथियोपिया में हुई थी, जो कि यूरोप से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों आज के टाइम में कॉफी उत्पादन के मामले में ब्राजील दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है, जो कि पूरे विश्व का 42% कॉफी का उत्पादन अकेले ब्राजील करता है। बेहद आकर्षक देश ब्राजील। दोस्तों पर्यटन के लिहाज से ब्राजील एक संपन्न देश है। यहाँ पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित अनेकों दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। यहाँ की बीचेस दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक मानी जाती है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही बोल्ड एवं नगण्य संस्कृति है। दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे बीच भी मौजूद है जहाँ पर लोग निर्वस्त्र होकर बीच का मजा लेते हैं। दोस्तों इस देश में 30 से भी ज्यादा बहुत सारे खूबसूरत आइलैंड मौजूद है, जो कि दुनिया भर के सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों जिस तरह ज्यादातर एशियन लोग मौज मस्ती करने के लिए थाईलैंड की ओर रुख करते हैं, ठीक उसी तरह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोग मौज मस्ती करने के लिए ब्राजील की ओर रुख करते हैं। इसकी वजह है ब्राजील में 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। इनमें से एक है रियो डी जेनेरियो। दोस्तों यह शहर ब्राजील का सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह ब्राजील का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों यह शहर अपनी खूबसूरती, समुद्री तट, पार्टी, संगीत